तो चलो गाइस, अभी तो हम लोग एक शॉर्ट राइड पे जा रहे हैं, संडे राइड। तो चलो आज एक संडे का शॉर्ट राइड करके आते हैं। चलो अभी चलते हैं। यहाँ पे तो अपने को अपना भाई मिला है और अभी हम लोग आगे जाएंगे, आगे और एक दो लोग मिलने वाले हैं। तो चलो अभी चलते हैं ऐसे। चलो शॉर्ट राइड यार, अभी तो बहुत दिनों बाद जा रहा हूँ मैं, क्योंकि पिछले कुछ दिन में तो 4-5 संडे चले गए जो कि मैं गया नहीं था शॉर्ट राइड पे। संडे राइड में यार मतलब अच्छा रहता है, ये लोग भी जॉब वाले हैं, उनका वर्क फ्रॉम होम चालू है, इनको संडे सैटरडे संडे ही टाइम मिलता है। तो इसके लिए हम कल रात को भी आप लोगों को लाइट दिखाने के लिए घर से निकले थे, और अभी आज तो संडे है तो हमने सोचा कि चलो यार आज एक शॉर्ट राइड करके ही आते हैं, क्योंकि बहुत दिन से गए नहीं है। तो चलो अभी निकले हम लोग। जैकेट की चेन लगा लो, पीछे पूरा ऊपर आ रहा है वो। पीछे तो अभी ब्रिज के नीचे जब हमने थोड़े एग्जॉस्ट का थोड़ा जब हमने आवाज़ किया, उसके वजह से वो जो कुत्ता था वो तो पीछे ही लग गया था भाई। मेरे पीछे तो नहीं लगा, आगे वो भाई था, मैं उसको ओवरटेक करके आगे आया, अभी उसके पीछे लग गया था वो, आपने देखा ही अभी। ऐसा बहुत बार होता है, पीछे भी एक दो बार हुआ था। चलो कोई बात नहीं, निकलते हैं आगे। भाई यार रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, जैसे कि मैंने आपको कल रात को भी बोला था कि यार टोल तो पूरा लेते हैं, लेकिन ये लोग काम अभी मेंटेनेंस ही नहीं रख रहे, इसको कुछ काम नहीं कर रहे, कुछ रिपेयर नहीं कर रहे। सो आई होप कि हो जाए जल्दी जल्दी, क्योंकि लोग पैसा लेते हैं लेकिन काम नहीं करते। पहले काम करते थे, अभी इन्होंने तो काम करना ही बंद कर दिया है, तो क्या कर सकते हैं। अभी जैसा है वैसा है, हमें इधर उधर से गाड़ी निकालनी पड़ेगी, दूसरा तो कुछ कर नहीं सकते। लोग थोड़ा 2 मिनट यहाँ पे रुके थे, क्योंकि मैंने उसको बोला था कि तेरा जैकेट का जो चेन है वो लगा ले, उसने लगाने था, थोड़ा पसीना आता है इसकी वजह से, लेकिन क्या करे, अपने को तो चेन लगानी ही पड़ेगी ना भाई साहब। चलो चलते, मैंने तो मेरा जैकेट पूरी तरह से पैक कर दिया है, अपना तो राइडिंग गियर है प्रॉपर, उसने अभी तक गियर लिया नहीं है। मैंने उसको बोला कि भाई जल्दी गियर ले ले, क्योंकि सेफ्टी इज फर्स्ट, पहला यार सेफ्टी पे ध्यान देना चाहिए, फिर बाकी सब कुछ। कुछ लोग करते क्या है, इसके बारे में नहीं बता रहा, लेकिन कुछ लोग करते हैं, कुछ लड़के करते हैं कि गाड़ी देते हैं, सेफ्टी पे कुछ ध्यान देते नहीं, सिर्फ उनको एग्जॉस्ट चेंज करना रहता है, वो लोग पहले एग्जॉस्ट चेंज करते हैं। उनको सिर्फ एक ही मकसद रहता है उन लोगों का कि उनको गाड़ी का जो साउंड है वो ज़्यादा आने को होना, आजू बाजू वाले लोग देखने को होना। लेकिन भाई वो करो, आपको करना है तो करो, ज़रूर करो, लेकिन वो करने से पहले अपने सेफ्टी पे भी ध्यान दो। सेफ्टी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर कहीं पे गिर जाते हो, कुछ होता है, तो यार अपने को लगने को नहीं होना। अगर हमें नहीं लगेगा तो आगे और हम बहुत ज़्यादा चेंजेस कर सकते हैं, गाड़ी में जो चेंजेस करने रहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन वो करने के लिए हम रहना चाहिए ना हमें। तो सेफ्टी इज़ तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाई, सेफ्टी पे पहले ध्यान दो। चलो आगे हमें हमारे दो दोस्त मिलने वाले हैं, लेकिन शायद उन्होंने तो वो लोग एक ही बाइक लेके आए शायद आज, देखते हैं। अभी वो तो फ़ोन पे बोल रहा था, अभी क्या पता वो आपके जाने के बाद समझ में आएगा। अभी सो गाइज, यहाँ पे तो अभी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम थी, कैसे वैसे करके तो मैं निकला हूँ यहाँ से अभी।
देखते अभी भाई तो पीछे रह गया है वो तो। अभी मैं तो फटाफट आगे निकल चुका हूँ, और अपने दोस्त लोग भी आ रहे हैं। हमारा डेस्टिनेशन जो था जहाँ पे हम लोग मिलने वाले थे वो भी सामने ही आ गया है, मतलब 2-3 मिनट का रास्ता है। अभी वो जो है हम यहाँ पे मिलने वाले हैं वो है होटल रेसिडेंसी पार्क, जो कि फेमस होटल है, बहुत पुराना होटल है। और वहाँ पे जो है वो पूरा चौफुली, वहाँ पे पूरा चौक है। सो वहाँ पे हम लोग मिलने वाले हैं, क्योंकि जो दो लोग वहाँ से आ रहे हैं वहाँ पे एक हाईवे जाता है सूरत बाईपास करके, सो वो उस साइड में रहते हैं, इसके लिए वो वहाँ से आ रहे हैं और हम लोग यहाँ से आ रहे हैं। सो हम लोग वहाँ पे मिलेंगे, फिर आगे जाएंगे और देखते हैं। अभी यार इस जैकेट में बहुत ज़्यादा पसीना आता है। अभी हमारा डेस्टिनेशन जो है वो यहाँ पे आ गया है, यही चौक है, और ये हमारा ह्यूंडई का शोरूम। हमारी वेन्यू यहीं से ली थी भाई साहब, और ये हमारा ये पॉइंट है जहाँ पे हम लोग मिलने वाले थे। सो यहाँ पे आ चुके हैं, सो यहीं पे रुकेंगे थोड़ा, यहाँ पे छाव है, सो यहीं पे रुकते हैं थोड़ा। यही होटल है वो, होटल रेसिडेंसी करके आप देख पा रहे हो, होटल रेसिडेंसी पार्क, यही होटल है, बहुत पुराना है, मतलब बहुत साल से है और बहुत फेमस भी है। सो इसकी वजह से हमने ये डेस्टिनेशन चुना है। सो अभी उन लोगों को आने देते हैं। सो भाई अभी हमारे दोस्त लोग आ गए, तो चलो अभी निकलते हैं यहाँ से, निकलते हैं अभी हम लोग। अभी यहाँ से जाएंगे आगे थोड़ा, देखते पीछे से कुछ नहीं है। लास्ट टाइम यार हम रात में बाहर गए थे और इसने इसकी गाड़ी बहुत ज़ोर से गाड़ी खींची थी, 140-150 के आसपास होगी, और जिस ब्रिज पे थे हम तब वो ब्रिज पे बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं, और इसकी गाड़ी रात में उसका समझ में नहीं आया और वो गड्ढे में गई, और इसका जो मैक व्हील है वो भी बेंड हो गया, टायर की पूरी हवा निकल गई, और कूलेंट था वो कूलेंट भी सारा नीचे गिरने लगा, वो भी फूट गया था। अभी ये थोड़ा अच्छे से चला जाए तब से, लेकिन फिर भी अभी मुझे नहीं लग रहा है ये कि अभी तक आदत गई नहीं है, अभी ठीक है। मुझे पता था वो ब्रिज पे बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं, इसके लिए मैंने वहाँ पे धीरे गाड़ी ली थी, और ये मुझे बिना बताए आगे फास्ट निकल गया था। मैं इसको बताने ही वाला था, उतने में तो ये निकल गया था, तो उसको थोड़ा फटका बैठ गया था। तब 20,000 के आसपास उसको खर्चा आया था भाई, उसने भी तो अभी गाड़ी ली है, लेकिन उसको थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था उसकी वजह से, उसने ध्यान नहीं दिया तो फूट गया सब कुछ, मैक विल बी बेंड, सब कुछ बेंड। चलो अभी चलते हैं आगे। अभी ये सामने है टोल नाका, लविंग का टोल नाका, ये सामने जो हमें जो हिल करा है ये है लविंग अभी, और ये टोल प्लाजा जो है लविंग टोल प्लाजा कहते हैं इसको। चलो अभी ऐसा राइट लेना है हमें, ये जो होटल ब्लीस कंट्री करके जो बोर्ड आप लोग देख रहे हो, यहाँ से अभी हमें अंदर जाना है, क्योंकि हम भी अभी पहली बार आ रहे हैं यहाँ पे, देखते अभी कैसा है क्या है। हमने तो बहुत सुना इसके बारे में, बहुत लोगों के फोटोज वगैरह भी देखी है, तो चलो चल। वो किधर है?
हमने आज डिसाइड किया कि चलो आज जाके ही आते हैं, यहाँ पे अच्छा लोकेशन है, फोटोज़ वगैरह थोड़ा खींचेंगे और देखते हैं। चलो देखते हैं अभी अंदर गाड़ी ले के जाएंगे। इधर से जाना पड़ेगा। देख सकते हो आप लोग कि गेम जोन कितना बड़ा है। नीचे जो है गेम जोन वो छोटे बच्चों के लिए है, और अभी यहाँ पे जो अंकल है उन्होंने बोला है कि बड़ों के लिए ऊपर है कुछ, तो अभी देखते हैं अभी ऊपर क्या है। ऊपर जा रहे हैं हम लोग अभी। अभी देखो ये जो है ये बच्चों के लिए है, अच्छा है। लेकिन चलो चलते हैं ऊपर। यहाँ पे एक गेम जोन है बड़ा वाला जो कि सब लोगों के लिए अलाउड है। शायद अभी तो ये बंद है। बहुत ही बढ़िया गेम जोन है, और अभी तो फिलहाल कुछ गेम बंद है, वीआर बॉक्स का वगैरह भी बंद है। सो मुझे वीआर का करना था, लेकिन वीआर का कुछ तो भी टेक्निकल इशू की वजह से बंद है। और बाकी गेम तो यार छोटे बच्चों के बाइक पे आए, कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो करके कोई मतलब नहीं है। और अभी तो हमारा कुछ वो खेलने का मूड भी नहीं, नेक्स्ट टाइम देखते। और चलो अभी चलते यहाँ पे, अभी बहुत टाइम हो गया है, घर पर भी जाना है। चलो चलते अभी। Silent nights recall.
चलो गाइस अभी यहाँ से निकलते हैं, फ़ोटो वगैरह तो निकाल लिए हम लोगों ने, तो अभी यहाँ से निकलते हैं। चलो चलो भाई निकालो गाड़ी, चलो चलो अंकल, सो ओवरऑल यहाँ का जो एक्सपीरियंस है वो तो बहुत ही अच्छा है, और जो फूड की जो क्वालिटी थी और फूड की क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। हमने तो सिर्फ ब्रेकफास्ट किया, लेकिन ब्रेकफास्ट भी इतना किया हम लोगों ने कि पूरा पेट भर गया। अभी घर पे जाके तो खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि हम लोग जब आए थे शायद मतलब हमने उनको पूछा था कि खाने का कैसा है, तो उन्होंने बोला था कि 1 बजे के बाद खाने का ऑर्डर लेंगे हम। सो हम लोगों ने तो जो ब्रेकफास्ट पे जो था वो ही ऑर्डर कर दिया था, हम लोगों ने चीज़ बॉल और पोहा वगैरह और 2-3 चीज़ें ऑर्डर की थी, और कटलेट भी किया था, वेज कटलेट। सो वो खा के हमारा तो पेट पूरी तरह से फूल हो चुका है। यहाँ से कोई आया रहा है? नहीं है। चलो सो मैंने थोड़ी गाड़ी खींची अपनी, किसने इधर से गाड़ी डाल दी, लेकिन मैंने नहीं डाली। चलो भाई साहब बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है हमें आज राइड करके, क्योंकि आज की जो राइड थी वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं थी और बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं थी, और वहाँ पे जाके तो हम लोगों ने हमारा पेट पूजा भी कर लिया, तो इसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं। और जो रिटर्न जाना है हमें वो रिटर्न बहुत दूर भी नहीं जाना है, इसकी वजह से अच्छा है, क्योंकि हमने पेट भर के खाया है। और आप लोगों को पता है जब पेट भर के खा लेते हैं हम लोग उसके बाद नींद आना शुरू हो जाती है। सो चलो ये आगे आ गया, आगे पीछे तो चालू ही रहता है। अभी इसको इधर से जाना है लेफ्ट और हम लोगों को जाना है स्ट्रेट, तो अभी इसको बाय बाय अलविदा कर देते हैं, फिर निकलते हैं आगे। और हमारा एक भाई पीछे रह गया, चलो देखते हैं उसको भी आने देते हैं, तब तक वेट करते हैं आपके। ओके बॉस बाय बाय, नहीं मिलते अगली बार, मैसेज कर पोस्ट लेवर। ओके चलो अभी तो ये भी आ गया, चलो बाय बाय, चलो चलो भाई चलो चलो। ए यार भाई साहब यहाँ पे यार बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, जब आया था तब भी ट्रैफिक थी और अभी भी ट्रैफिक है। यहाँ पे आगे जो है वो रोड का काम चालू है थोड़ा, उसकी वजह से यहाँ पे ट्रैफिक जाम हो जाता है। देखते ही आगे दो लड़कों ने साइड से गाड़ी डाली, अगर हम भी डाल सकते तो डालेंगे, वरना सीधा ही जाना पड़ेगा। नहीं यार रिस्क नहीं लेनी, वैसे तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम है, इसलिए हम लोग नीचे से सर्विस रोड से गाड़ी डाली हम लोगों ने। और अभी अभी मुझे एक कॉल आया था, जो कि मैंने जियो फाइबर के लिए अप्लाई किया था, और कुछ दिन पहले वो लोग मेरे घर के ऊपर वो जो फाइबर ऑप्टिक का जो बॉक्स लगाना चाहिए था वो बॉक्स लगाया था उन्होंने, और जो पैसे वगैरह पेड करने थे इंस्टॉलेशन चार्जेस और जो डिपॉजिट है वो तो वो भी दे दिया था हमने। सिर्फ अभी तो जो इंस्टॉलेशन बाकी है वो इंस्टॉलेशन करने के लिए आ रहे थे, और मैं गाड़ी चला रहा था तो अब मुझे समझ में नहीं आया कि कब उन लोगों के कॉल आके गए। फिर अभी एक कॉल समझ में आया तो मैंने कॉल उठाया, वो बोल रहे थे कि आपने कॉल नहीं उठाया,
तो इसके वजह से थोड़ा रुक गया था और उनके साथ मैंने कॉल पे बात कर ली। चलो अभी फटाफट घर पे जाता हूँ और घर पे जाने के बाद आप लोगों को मिलता हूँ। चलो तो गाइस फाइनली तो मैं अभी घर पे आ गया और अभी जो अपना जियो फाइबर नेटवर्क का इंस्टॉलेशन करना था वो लड़के भी आ गए अभी, तो अभी थोड़ा इंस्टॉलेशन वगैरह करता हूँ, उसके बाद आप लोगों को मिलता हूँ और सब इंस्टॉलेशन हो जाने के बाद आपको नेट का स्पीड वगैरह भी दिखाता हूँ। उन्होंने तो बोला है मेरा जो प्लान है वन कुछ तभी 1000 रुपीज़ के आसपास है, तो वो जो प्लान है उसमें करीब करीब 150 MPS के करीब स्पीड है अपलोडिंग भी और डाउनलोडिंग भी। तो देखते हैं अभी इंस्टॉलेशन होने के बाद क्या स्पीड मिलता है क्या नहीं। तो चलो तो अभी इस वाले वीडियो को समाप्त करने का टाइम आ गया है और जो नेट का स्पीड वगैरह है वो आपको तो अगले व्लॉग में पता चल ही जाएगा। तो यहाँ तक देख ही लिया है तो वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल भी मत जाना और चैनल पर नए हो तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Of my